Siddharth, meri baat suno. Siddharth, listen to me. Stop. Siddharth, just listen to me. तुम्हारा इतना गुस्सा देखकर मैं डर जाती हूँ सिद्धार्थ। डर तो मुझे आने वाले दिनों से लग रहा है। चंद घंटे ये घर इस झूठ को बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन इतने दिनों तक नहीं माया, बहुत मुश्किल है। मैं तो इस इंतजार में था कि कब माँ इस घर से जाए और मैं कनिका को उठाकर इस घर से बाहर फेंक दूं, लेकिन अचानक माँ ने कहा कि वो इस घर में कुछ और दिन तक रहना चाहती। ये माँ ने खुद नहीं कहा सिद्धार्थ, उनसे कहलवाया गया। माया, इतना तो मैं भी समझता हूँ कि कनिका ने ही माँ के दिमाग में ये सब बातें डाली हैं। अगर माँ इस वक्त इस घर में है तो सिर्फ कनिका की वजह से। लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी कि इस वक्त इस घर के हालात कनिका की हथेलियों पर नाच रहे हैं। उसका कब्जा होता जा रहा है इस घर में और हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो तुम बताओ सिद्धार्थ कि हम क्या करें, ऐसी सूरत में हमें क्या करना चाहिए? एक तरीका है, अगर तुम मेरा साथ दो तो माया तुम अभी अपनी माँ के पास जाओ और उनसे कहो कि इस करवा चौथ के चक्कर में ना पड़े और अभी के अभी आज ही आश्रम लौट जाएं। सिद्धार्थ, कैसे ऐसे कैसे कह दूं सिद्धार्थ माँ से कि तुम चली जाओ? माया, तुम इस वक्त इतना नहीं कर सकती इस घर के लिए, तो मैं तुमसे और उम्मीद क्या रखूं? तुम्हें इस घर से ज्यादा अपनी माँ की फीलिंग्स की चिंता है, राइट? मुझे उनकी फीलिंग्स की ज्यादा चिंता है क्योंकि माँ बीमार है सिद्धार्थ, और ऐसी सूरत में उन्हें और तकलीफ देना ये मुझसे नहीं हो पाएगा। इस घर में सबको अपनी अपनी फीलिंग्स की चिंता है, सबको अपनी अपनी तकलीफ से सरोकार है। बस माया, तकलीफ मुझे भी तकलीफ देती है, मैं भी हर्ट होता हूं, लेकिन कभी किसी ने या तुमने इस बारे में सोचा है? नहीं माया, अपने दिल से पूछ कर देखो। मैंने पूछा है अपने दिल से और तुम सरासर गलत हो। बड़ी नसीबदार है तू, कितना अच्छा घर मिला है, और घर के लोग वो तो उससे भी ज्यादा अच्छे, खासकर तुम्हारी सास, बड़ी नेक औरत है वो। जब कोई अच्छा मौसम चल रहा हो ना तो बुरा भी अच्छा लगता है। क्या बात है, ऐसी बातें क्यों कर रही है? ससुराल के छत के नीचे शायद मैं खुलकर तुमसे अपने मन की बात ना कह पाऊंगा, और करवा चौथ तक भी आपको रुकने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहू दया बहन तुम्हारे लिए नहीं मेरे लिए रुक रही है। माना कि ये तुम्हारी माँ है, पर इनका मुझसे भी रिश्ता कम नहीं है। ये आजकल के बच्चे भी ससुराल और मायके में इतना फासला कर देते हैं। अगर मेरा बस चलता तो यहाँ मैं आपको अपने पास हमेशा के लिए रख लूँ। माँ ऐसा कुछ नहीं करेगी। पर बहू, अगर तुम्हारी सास चाहे तो ऐसा कर सकती है। तुम तो जानती हो मैंने हमेशा जो कहा वो किया। अब तुम यहाँ से जाओ, हम दोनों को आपस में कुछ बात करनी है। और हाँ बहू, अगर करवा चौथ के लिए किसी मदद की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना, मेरी तरफ पीट करके काम नहीं चलेगा। माया, हम दोनों का जो ये रिश्ता है उसे बहुत दूर तक जाना है। इस रिश्ते को उम्र देने की तैयारी शुरू हो गई है। अरे स्वामी, वो पराठे और पापड़ देना। जी सर। नहीं नहीं, आप ये सब नहीं खाएंगे। क्यों? ये रख दीजिए। अरे इन सब चीजों में बहुत तेल है। अब आपका ये सब खाना बंद और डाइट फूड शुरू। अरे नहीं नहीं, वो डाइट वेट फूड वगैरह मुझे नहीं चलेगा। लेकिन अब चलाना पड़ेगा। अब तक आप अकेले थे इसलिए लापरवाही कर रहे थे, पर अब मैं फंस गया हूँ। शादी करने के सिर्फ फायदे नहीं नुकसान भी होते हैं। क्यों है ना दया बहन? तुम क्या कहती हो बहू?
क्यों सिद्धार्थ? चोर पकड़ा गया। कि आप यहीं पर रखिए, आप पीछे होकर बैठिए और दोनों हाथ नीचे करिए। अब इस चोर की सजा ये है कि इसे मैं अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। खोलिए, अरे खोलिए। Excuse me. Good night, beta. Take care. Aap liji. क्या हुआ? तुम्हारा हाथ कैसे कट गया? खून दे स्वामी, डॉक्टर को बोला जल्दी। इतना नहीं लगा है, डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से बैंडेज से काम चल जाएगा। स्वामी जल्दी बैंडेज लाओ। आप भी कमाल करते हैं अंकल, ऐसे इत्मीनान से बैठे हैं और वहां मेरे घर में जाकर देखिए आपके कनिका ने क्या हाल बना रखा है। उस घर में जो चल रहा है उसे अगर उस घर के रहने वाले नहीं रोक सकते तो मुझसे क्या शिकायत कर रहे हो? जो भी हो रहा है तुम लोगों ने होने दिया है, तभी हुआ है। मैं तो शुरू से इस झूठ के खिलाफ था, लेकिन जब अमर खुद कनिका की पैरवी करने लगा तो मुझे खामोश रहना पड़ा। बेटा कहां से आ रहे हो? अरे जाने से पहले कम से कम अपनी मां को बताकर तो जाया करो, नहीं तो मुझे चिंता हो जाती है। कनिका स्टॉप इट, इतना मत उकसाओ कि मैं कुछ कर बैठूं, ओके? तुम्हें जो करना था वो तो तुम बहुत पहले कर चुके। मुझे छोड़कर माया से शादी कर ले। अब मुझे जो करना है वो तो मैं कर ही रही हूं। देखो ना, पूरे अधिकार से इस घर में अपना कब्जा कर चुकी हूं। सिर्फ एक और दिन, परसों तुम इस घर में दिखाई भी नहीं दोगी। वादा करती हूं ये घर छोड़ के मैं कभी नहीं जाऊंगी। पूछो अपने दिल से, वो भी इस बात से डरता है कि कनिका जो वादा करती है वो जरूर निभाती है। कनिका ने जो कह दिया समझो कि कर दिया। अब अगर तुम भी इस घर में खुशी खुशी रहना चाहते हो तो be a good mama's boy, okay? क्या हुआ तुम्हारे हाथ में? वो ग्लास टूट गया था तो। कैसे? अब टूट गया तो कैसे? मेरी माँ से बात हुई थी सिद्धार्थ, वो परसों जा रही हैं तो तुम्हारी जो प्रॉब्लम। माया इस बात की क्या गारंटी है कि कनिका तब तक कोई और खेल नहीं खेलेगी? इस
घर में एक एक पल काटना मुश्किल हो गया है। सर घूमता है मेरा। माया बहुत अनईजी फील करता हूं मैं। कल करवा चौथ है, बस सिर्फ एक दिन और बर्दाश्त कर लो प्लीज मेरे खातिर। इस घर में जो कुछ हो रहा है वो तो वैसे ही बर्दाश्त के बाहर है। ठीक है, तुम कहती हो तो कोशिश करके देखता हूं। एक मिनट, कौन है यहां, क्या कर रही हो? बहू आज करवा चौथ है, मैं तुम्हारे लिए बड़े प्यार से अपने हाथों से सरगी बना कर लाई हूँ। सूरज उगने से पहले खा लो, आओ। मुझे तुम्हारे हाथों का बना कुछ नहीं चाहिए, प्लीज जाओ यहाँ से। माया, ये क्या आप शुकन कर रही हो? ये तो रिवाज है, करवा चौथ के दिन सास अपनी हाथों से सूरज उगने से पहले खाना बनाकर खिलाती है। पूरे दिन का व्रत होता है ना बेटा। दयाबेन, लगता है मेरी बहू नींद में थी, कोई सपना देख रही थी। बहू नींद से जागो और हकीकत में आ जाओ। पैर छूने का भी जलन होता है, पर तुम रहने दो। रहने क्यों दे? माया अपनी सास के पैर छू। मैंने भी अमरनाथ जी के लिए व्रत रखा है, दुआ करो कि सार्थक हो जाए। हेलो सिद्धार्थ, ये बिना बताए तुम कहाँ चले गए? उस खबर से दूर जिसके बारे में आज पूरी दुनिया बात कर रही है। लेकिन तुम तो जानते हो वो सच नहीं है। पर डैड, झूठ का तो हमारे घर पर, हमारी जिंदगी पर कब्जा सा होता जा रहा है। जब तक ये झूठ हमारे घर से बाहर नहीं जाएगा, मैं उस घर में वापस नहीं लौटूंगा। ये ऐसा मत कहो सिद्धार्थ। कैसे बेटे, कैसे पति हो तुम सिद्धार्थ? घर पर परेशानी आई तो हमें उस पर छोड़कर तुम अकेले चल निकले? तुम्हारी परेशानी तुम्हें अपने पापा अपनी बीवी से ज्यादा अहम है? आज करवा चौथ है, तुम जहां कहीं भी हो रात को चांद निकलने से पहले आ जाना। अमर, ये जो सब मैं सुन रहा हूं, इस बकवास का मतलब क्या है? देवदत्त, इसका मतलब सिर्फ उतना ही है जितना मैंने तुम्हें समझाया था। कल तक मेरी समझ में आ रहा था, लेकिन अब ये सब मेरी समझ में नहीं आता है। जानते हो तुम, इसमें कनिका की सारी जिंदगी बर्बाद हो सकती है, उससे कोई शादी नहीं करेगा। अंकल, ये बात कनिका जानती है और उसे मंजूर भी है। पर मुझे मंजूर नहीं है। Then it's too bad for you, अंकल। कनिका, but I'm sorry। मैं अपनी जिंदगी अपने मुताबिक जीना चाहती हूँ और मैं जानती हूँ मैं जो कुछ भी कर रही हूँ सोच समझ कर रही हूँ और पूरे होशो हवास में कर रही हूं। देवदत्त, देवदत्त, समझा दो इसे, बर्बादी के रास्ते में जा रही है ये। कनिका, तुमने देवदत्त के साथ इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। क्यों, आपको डर है कि कहीं आपको मुझे अपने घर ना रखना पड़े? नहीं, मुझे वो डर नहीं है, मुझे उसका डर सही लगता है। इस खबर से तुम्हारी शादी में परेशानी आ सकती है।
मेरी मांग भरी हुई है, सिंदूर है और आज मेरा पहला करवा चौथ भी है। और आप मेरी शादी को लेकर परेशान हैं? आप परेशानी छोड़िए और मेरे पहले करवा चौथ का व्रत सार्थक हो, ऐसी दुआएं कीजिए। अगर तुम हो तो ऐसा नहीं होने देना। अगर कनिका ने बेशर्मी में यह व्रत रख भी लिया है तो उसे संपन्न नहीं होने देना। यह हर ब्याहता औरत की मांग में भरे सिंदूर का सवाल है। आज रात का चांद झूठी भावनाओं का गवाह नहीं बनेगा। आज रात का चांद मांग में भरे लाल रंग के फरेब में नहीं आएगा। आ गए अमर, देखो चांद भी निकल आया है। तो आखिर तुम मेरे जिंदगी में वापस आई गई।